अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ फरीन इश्तियाक और कल से आप लोगों की तमाम की पोस्ट आ रही हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, दुआएं आ रही हैं और लातादाद आप लोग मेरे वेल विशर्स हो और परवरदिगार आप तमाम लोगों को सलामत रखे और ऐसे ही मेरे लिए मेरी लाइफ में मोटिवेशन बनाए रखे और हिम्मत बढ़ाए रखे और आप सबकी भी और मेरी भी। और लिटरली मुझे भी नहीं मालूम था कि कहाँ से मेरी स्टोरी की कवरेज हुई है और कौन राइटर है, कौन प्रोड्यूसर है और कौन क्या है। और उसके बाद फिर मैं ऑफिशियली जो है इंस्टा के ऊपर और फेसबुक के ऊपर नज़र आई और मेरे अपने जो भी फ्रेंड्स थे हॉस्टल के या कंसर्निंग थे मेरे राइडर्स, मतलब जो मेरे कस्टमर्स हैं, तो उन्होंने कहा कि इस तरह से मतलब स्क्रीनशॉट्स भेजे कि आप इस तरह से जो है ना यमुना जैदी के ड्रामे में बख्तावर में वो रियल स्टोरी आपकी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कोई मसला इस चीज़ का नहीं था कि मेरी स्टोरी इस तरह की है या वो। मैंने कमेंट्स जो पढ़े उसमें यमुना जैदी का, क्योंकि मैंने ड्रामा नहीं देखा तो मुझे ये नहीं पता कि उसकी एक्चुअल स्टोरी क्या है, लेकिन मुझे जितने लोगों ने भी बताया तो वो मेरी वेरी फर्स्ट डे से लेके और आज तक की स्टोरी उसमें जो है ना वो है, वो भी सर्वाइवल है। मैं भी सर्वाइवल हूँ, परवरदिगार तमाम के लिए आसानियाँ करे, लेकिन शी इज़ अ बेस्ट एक्टर और मेरी भी फेवरेट है वो, और उससे मुझे कोई शिकायत नहीं है। वो अच्छा रोल करने की कोशिश कर रही है और कर रही है, लेकिन चूँकि आपको मैं बताऊं कि एक ड्रामा और एक रियल लाइफ, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। उसमें ड्रामे में बंदा टची हो जाता है, हर्ट होता है, सेंटी हो जाता है। फिल्म मूवीज़ वगैरह देखते हैं, ड्रामा देखते हैं, जहाँ पे इमोशनली चीज़ें आती हैं वहाँ पे हम सेंटी हो जाते हैं और आँखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन डिफरेंट है रियल लाइफ। आप जो रियल लाइफ के अंदर फेस देखते हो डे टू डे, और जब आपको पता होता है कि आपके आगे औलाद है, आपके आगे फैमिली है, क्या सरकमस्टांसेस हैं, क्या फेसेस हैं, आपको ही देख रहे हैं, आप अपने आप को, अपनी ज़ात को, अपनी ख्वाहिशात को मार देते हो, अपने आप को आप सफ़र कर रहे होते हो। आपको कोई शौक़ नहीं रहता कि आप क्या पहने हुए हो, क्या चप्पल है आपके पास, क्या जूता है आपके पास, उससे कोई सरोकार नहीं होता। सिर्फ एक चीज़ जो ज़िंदगी में मैंने इस 9 साल में लाहौर में और टोटल 12 साल में, क्योंकि 7th क्लास में जब मैं थी तभी मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करती थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार मुझसे ये इम्तिहानात ले रहा है और इंशाल्लाह ताला यहाँ नहीं, दुनिया में नहीं तो आखरत में इंशाल्लाह मुझे सुरखरू करेगा, क्योंकि तमाम एफर्ट्स, तमाम मेरी मेहनत मेरे अपनों के लिए, मेरे फैमिली के लिए, मेरी बेटी के एजुकेशन के लिए, उसके बेहतर मुस्तकबिल के लिए है। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि मुझे फेम मिले, मुझे लोग सर पे चढ़ा दें। मैंने ना कल चाहा था ना मैंने आज ये आने वाले आखिरी लम्हों तक ये चीज़ मैंने नहीं चाही। मेरे लाइफ बिल्कुल सीधी शादी सादा सूदा सी है। कोई भी अनारकली बाज़ार चला जाए, कोई भी कहीं पर भी चला जाए, जो लोग मुझे जानते हैं वो लोग मुझे दुआएं दे देते हैं, वही मेरे लिए इतनी ज़्यादा होती हैं, क्योंकि मुझे पता होता है कि परवरदिगार हो सकता है किसी की भी दुआ मेरे, मेरा रब है रहमान और रहीम है, किसी की भी दुआ मुझे लग सकती है। और इवन लिटरली ये एक ख्वाब है मेरे लिए कि कल शाम तक कोई सिचुएशन थी और कल रात को कोई सिचुएशन है और अब कोई सिचुएशन है। परवरदिगार ने वह तो जिल्लो मंतशा हो तो इज्जो मंतशा, जिस जिल्लत इज्जत देना है वो रब देने वाला है। परेशानियाँ लाइफ में आती हैं, आके चली भी जाती हैं। खुशी गम इंसान हर फैमिली देखती है, किसी ऐसा नहीं है कि कोई
किसी की ज़िंदगी में खुशियाँ ही हों और गम ना हो, ताकि आज यकीनन मैं बहुत खुश इस वजह से हूँ कि मुझे मोटिवेशन करने के लिए हज़ारों लोगों ने मुझे मैसेज, टैक्स, रिक्वेस्ट, तमाम चीज़ें भेजी, चाहे वो किसी ड्रामे की सूरत हो, चाहे वो किसी सूरत हो। लेकिन एक चीज़ उन्होंने गलत की, हम टीवी वालों ने, कि वो कॉपीराइट किया है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन्हें मुझसे परमिशन लेनी चाहिए थी, क्योंकि वो मेरी पर्सनल रीजंस थी। वो उनको ये चाहिए था कि तमाम पूरा मीडिया सेक्टर मुझे जानता है, यूट्यूबर्स मुझे जानते हैं, खलीज टाइम मुझे जानता है, ईच एंड एवरी चैनल मुझे जानता है। एक उन्हें परमिशन ले लेना चाहिए थी कि हम ये स्टोरी आपके ऊपर कवर कर रहे हैं, तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं है। मैं रियलिस्टिक हूँ, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है, लेकिन मुझे आप लोगों की दुआओं उसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ, क्योंकि आप लोगों के जितनी दुआएं, सॉरी टू से पीछे से आवाज़ें आ रही हैं, क्योंकि मैं इस वक्त वर्कशॉप पे अपनी गाड़ी ठीक करवा रही हूँ। तो जब मैं यहाँ पे आई हूँ तो मैं फिर वापस लोन में, क्योंकि मुझे अपनी माँ का ट्रीटमेंट करवाना था, मुझे बहुत सारे वहाँ पर सारी चीज़ें घर पे देखनी थी, तो मैं वापस लोन में आई, फिर मेरी गाड़ी ख़राब हो गई। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ अपनी गाड़ी भी, तो मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, इसका पूरा ओवरऑल काम होने वाला, मेरे लोन सर पे, मेरे हॉस्टल का रेंट सर पे। रियल लाइफ में जिसकी मुख्तसर एक्सपेंस होना कि वो मुख्तसर कमाता हो और एक्सपेंस ज़्यादा हो, मेरी गाड़ी का पेट्रोल हो गया, मेंटेनेंस हो गई, ऑयल हो गया, विदा के एक्सपेंस हो गए, जो मेरी बेटी है, मेरी फैमिली के एक्सपेंस हो गए, ये तमाम चीज़ें मुझे करनी है, अपने छोटे भाई के साथ मिल के मुझे करनी है। लेकिन मुझे सिर्फ ये है कि मेरे अलावा आप लोग सपोर्ट करते हो।